प्रिय छात्र आप सबके लिए स्वागत है। देखिए हम जो अगले जो अवधियों में गुलाब सिंह पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए थे ना, इसलिए तो गुलाब सिंह पाठ के लेखिका का नाम क्या है। गुलाब सिंह पाठ के लेखिका का नाम है सुभद्र कुमारी चौहान जी, है ना। सुभद्र कुमारी चौहान जी के बारे में भी आप लोग जान चुके थे ना, थोड़ी आप सब जानिए। आप जो बचा हुआ जो अगले पार्ट के और हमें ध्यान देने के लिए चलेंगे छात्र आज के अवधियों में, तो आपके साथ रहने वाले सब किताबें निकालिए, निकाल कर गुलाब सिंह पाठ का आगे का भाग के ऊपर आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं पहले पढ़ती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, सुनने के बाद इसका अर्थ बता जा रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन कर और समझ लेना चाहिए। ऐसी एक नहीं अनेक बातें, बाहर की, माँ की, पिता की, उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखें आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। ऐसी दिन एक दिन ऐसी हवा बही की मुद्राए हुए दिनों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, हुआ होगा कोई। भैया ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम हो जा रहा है, जो बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तभी तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर पहलाएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता हम। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी मोटी फाड़कर झंडे बना दिया, लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेले के डंडे से बांध दिया, झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला और भाई जाते हैं कहां हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन ने आग्रह से बोला। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। नहीं भैया, नहीं बाबा, जुलूस कौन निकालेगा, तुम झंडा उतारना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रुई का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमार ने अपने भाई राजकुमार को विदा कर दिए है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाती हुई और दौड़ी थाली में थाली दौड़ी सी रूड़ी थोड़ी सी रूड़ी थाली में चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था, भाई की आरती उतार रही थी। मुंह के चारों तरफ घुमाती
थाली एक अपमंडल बनने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही अपमंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसी ही अपमंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराया। तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बधाई दी। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रहा गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रहती। कुछ दूर जाने पर बादशाह का सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गया। वह उसके हाथ में था। गोली चलाते देखते कोई उसे पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दब पड़ी। भाई खून से लथपथ था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़ी। वह बोला, तू आ गई, क्या झंडा है। बहन ने झंडे थाम लिया, भाई चल गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में ही उठाई रही। बादशाह के सिपाहियों ने मानो कड़ा जीत कर चल गई। लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए वाहन चलने लगी। बादशाह का उतरता जुलूस ना निकले। जुलूस निकला, झंडा ना निकले। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर चल गया। आप अच्छी तरह का जो पाठ में आए हुए शब्दों को और अच्छी तरह ध्यान से देख लेना छात्र। अब इसके अर्थ जो क्या होता है इसके बारे में हम समझते जाएंगे। देखिए ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, मैं बताती जाती हूँ, तुम्हारा पूरा ही ध्यान पाठ के ऊपर दीजिए छात्र। हम जो अगले जो अवधियों में उनका जो गुलाब सिंह को क्या होगा, एक उनको बीमार पड़ा था, इसलिए उनके माँ बाप माँ ने उसके खाना बंद कर दिया था और बार बार खाने को कुछ मांगने के लिए बहन ने उनको बुढ़ापा से नहीं फिर खिला दी थी। खिलाने के बाद उनका भूख बढ़ गया था, पर इसका बाद में जो किसी को नहीं बताया भाई ने, इसलिए जो भाई बहन में क्या हो गया, बहुत प्रेम का भाव छाप गया। वहां तक आप सुने थे ना, आप आगे की भाग की ओर और अर्थ के ओर ध्यान दीजिए छात्र। देखिए ऐसी एक नहीं, अनेक बातें जो इस तरह की, ऐसी एक ही बातें नहीं है जो भाई बहन के जो मन पर छपी हुई बातें, ऐसी एक ही नहीं है जो बहुत सारे अनेक बातें और बहुत सारे बातें भी बहन की, माँ की, पिता की, उसके मन पर छपी हुई। गुलाब सिंह के मन पर ऐसी ही प्रेम भाव का ये सब बातें, पिता की भी बातें थी और माँ की बात थी, बहन की, ये सब गुलाब सिंह के मन में छपी हुई थी। जो चरना जो इसका अर्थ क्या हुआ, उद्रण
काव्य जन्म में आते पुत्र हुआ काव्य के मन में ही अमर रहती थी। इस तरह वहां कभी उनसे झगड़ा लड़ता झगड़ता भी बहन के साथ जो आपके घर में भाई बहन के बीच में बहन बहन के बीच में जो झगड़ा होता है ना, उसी तरह तुम्हारी जैसी वो दोनों जो भाई बहन में झगड़ा करते थे, करने पर भी उनको क्या कहा जाता था, करने पर भी उनका मन में प्रेम भाव बहुत अपार और बहुत ज्यादा उनके काफी था। इसलिए उनका झगड़ता दोनों भी झगड़ते थे, पर आंखों के आंसू और मन के रंग जो अपने बहन को आप डांटते हैं मारते हैं तो आप बहन क्या करने लगती है, रोने लगती है ना, रोने लगती है ना, उसी जैसी वो भी रोने लगी और उनके आंखों के आने वाले आंसू को उनका चेहरे पे होने वाला रंग को उन्हें देख कर उन्हें उनका तस्वीर उनका पुरानी तस्वीर उनके मन में जो जो छपी हुई उनका जो बहन के आंसू आंखों से आंखों से आंसू आने वाली उनका चेहरे में जो बदला होने वाली ये उनका भाई के मन में गुलाब सिंह के मन में वे तस्वीर हो ना सके, होने पर कोई भी हो ना सके, जो कितना भी साबुन लगाकर पानी लगाकर धोने पर भी वे नहीं जाती है ना, धोने के लिए नहीं होती, जो उनके मन से वो बाहर नहीं निकलती कभी भी। इस तरह हम निकालने के लिए चले आगे की ओर ध्यान दीजिए छात्र। एक दिन ऐसा हवा बही कि मुजराए हुए दिनों में नई जान आ गई। ऐसी हवा हवा जो होती है जो बातें आती है आपके गांव में कोई जो त्योहार बनाना जुलूस निकालना है तो हमारे गांव में रहने वाले पूर्वजों ने जो क्या करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस तरह सभी बैठकर बातें करके सबको तुम्हें समझाते हैं ना, ऐसी जो बातें ऐसी जो हवा जो यही पर भी बहने लगी। क्या ये हवा हो देखिए मुजराए हुए दिनों में जो ने कोई मन में कोई शंक नहीं थी कोई भी द्वेष नहीं थी, ऐसा ही जो दिनों में क्या हो जो प्रशांत से रहने वाला शांत से रहने वाले दिनों में जो कोई थोड़ी सी शंक आने की हवा वो बहाकर आई है, वह हवा उमंगों की हवा हवा इसकी उमंगों की दोनों प्रजा में और जो राजा जो भूखंड होते हैं ना उनमें होने वाली जो अशंक की जो हवा थी बड़ा भारी जुलूस निकलना था। वह दिन जो वहां पर एक बड़ा जो त्योहार मनाना था जुलूस निकलने वाला था जो जो हर साल ये आचरण करते आते हैं और ये इसी की हवा बनाई जो हवा बहती आई है क्या इस साल जो जुलूस ना निकलना चाहिए। ऐसी ही हवा बहाई तो बड़ी भारी जुलूस निकलना था बड़ा शानदार जुलूस निकलने वाला था, पर ये हवा इसी हवा आई है इसके उसे बादशाह के एक राजा था उसका जो मुंह से ये हवा आई क्या है उसका हुकुम आदेश दिया है बादशाह का नामक एक राजा ने जो आदेश हुकुम का अर्थ होता है आदेश जो आदेश दिया है क्या दिया है कि जुलूस ना निकले इस बार जुलूस ना निकलना चाहिए अपने गांव से। ऐसे ही आदेश आई है
उतर था उतर गया है, तब तो जरूर निकलेगा जुलूस, हम जरूर बाहर जाएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन और भाई दोनों बनकर ही क्या करने लगे, जुलूस निकलाएंगे और झंडा फहराने लगे। इतना तो उन्हें मन में आ गया ना, अच्छा अपने मन में आशा आ गया ना, इसलिए उन्हें क्या कर रहे हैं, झंडे की तैयारी कर रहे हैं। जो झंडे की तैयारी होने लगी, जो दो अंक का प्रश्न में ये जो बहुत मुख्य है, झंडे कौन तैयार किया है, झंडे की तैयारी कैसी हुई, ये प्रश्नों का उत्तर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। देखिए झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी वर्दी फाड़ कर झंडा बना लिया। बहन ने क्या कर लिया, अपनी पुरानी वर्दी, वर्दी जो तुम्हें कहते हैं, जो दुपट्टा भी कहते हैं, बेल, अपनी जो पहनने वाले कपड़े में क्या होता है, बेल होती है ना, उसे वर्दी कहते हैं हिंदी में। देखिए वर्दी, अपनी पुरानी वर्दी जो पहन पहन कर तुमको क्या हो जाता है, तुम्हें बहुत ही उन्हें पहनने को मन नहीं आता है ना, इसलिए पुरानी वर्दी को ने क्या कर दिया, अपने घर से लाकर उन्हें फाड़ दिया। फाड़ना इसका अर्थ होता है हरी को फाड़ दिया। फाड़ कर उन्हें झंडा बना लिया, अपनी पुरानी वर्दी को फाड़ कर उन्हें क्या कर दिया, झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। लाल और हरा रंग की झंडा, लाल और हरा रंग की झंडा उन्हें चढ़ा दिया, उन्हें झंडा की तैयारी कर दिया। भाई और उसने भाई उसे भाई ने उसने अपने खेलने की डंडे से बांध दिया। बहन ने झंडा तैयार कर दिया है अपने पुराने वर्दी लाकर फाड़ कर उन्हें लाल और हरा रंग चढ़ा कर दे दिया है। वे बनाई हुई झंडे को भाई ने क्या किया, खेलने के लिए, रोज खेलने के लिए जो डंडा अपने कन्नड़ में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं ना, झंडे में झंडे को उनको बांध लिया। बांधना उसका अर्थ होते कटुरु, कन्नड़ में कहते हैं कटुरु, बांध के झंडे को बांध लिया। ये झंडा तैयार था, झंडा तैयार करके उन्हें रख दिया है दोनों। समझ में आया ना छात्रा, आगे की बात देखिए। अब भाई झंडा लेकर चला, झंडे की तैयारी हो गई, जुलूस निकलने का दिन आ गया। उस दिन उन्हें क्या किया, भाई ने झंडे लेकर चलने लगा। भाई आज को झंडा पाड़ना है, जुलूस निकालना है, इसलिए आप दिखाई दे रही ना अपने किताब में जो तस्वीर दिखाई दे रही ना, चित्र देखिए छात्र, झंडा पकड़ पकड़ के जो भाई ने जो खड़ा है ना अपने घर के बाहर, देखिए जो झंडे लेकर चलने लगा। अरे भाई, बहन ने पूछती है झंडा लेकर चलने को चलने वाला भाई को, बहन ने अरे भाई जाते कहाँ हो, अरे भाई तुम जाते कहाँ जा रहे हो तुम, हाँ अभी साथ चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहन ने आगरा से बोली, बहन ने बोली आगरा से, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, देख लो मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ, इसी तरह हम आगरा से भी बोली। पर Yeah.
धन्यवाद।